नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजल समाचार। फजल समाचार के माध्यम से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अबगिल रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर कितना है, ये 4 है। वार्ड नंबर 4 में देख लीजिए कि नल जल योजना का कितना सुंदर यह व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन यह व्यवस्था जो है ठप पड़ा हुआ है। यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं कि किस कारण से जो है यहाँ का नल जल योजना ठप पड़ा हुआ है। जी सर, कई मरते हम ये अबगिल रामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 का सदस्य हूँ और कई मरते हमने विभाग से अथी किए हैं ये चालू नल जल करने के लिए। ठेकेदार से भी कहें, जेईस भी कहें, एक्सिक्यूटिव से भी कहें, पीएचडी का जो होता है, ये सबसे सभी के पास हम शिकायत किए हैं कि ये बंद पड़ा हुआ है। अभी धर में कोई समझौता नहीं हुआ, कोई मिस्त्री नहीं भेजा जाता है और कुछ इसका जवाब नहीं देता है। और हम ये 4 नंबर वार्ड में पब्लिक जनता से, हम ग्रामीण से परेशान है इस चीज़ को लेकर के। आप जब वार्ड सदस्य हैं तो जनता तो आप ही से शिकायत करती है। जी बिल्कुल। कितना दिन से बंद है ये? महीना दिन से बंद है, एक महीना से बंद पड़ा हुआ है। जनता को तो पानी के लिए पूरा फजीहत झेलना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल। एक लीकेज होता है, उसमें भी एक लीकेज बनाने में पाइप को एक महीना लगाता है समय, 2 महीना टाइम लगाता है। यानी जब इच्छा इसका होगा ठेकेदार का, तभी अपना मन से काम करेंगे। आइए यहाँ का दिखाते हैं, इसके अंदर जो बिजली का व्यवस्था है, इसी बिजली के व्यवस्था के वजह से जो है यहाँ पे देख लीजिए मीटर लगा हुआ है, लेकिन मीटर में लाइन नहीं है, स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर पर लाइन नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से जो है यहाँ का नल जल योजना यानी पानी का सप्लाई बंद है। यह है बिहार सरकार के नल जल योजना में देख लीजिए कि किस प्रकार से व्यवस्था किया हुआ है। यह एक शोभा का विषय बन गया है और यहाँ वार्ड के जनता को परेशानी एक महीना से झेलना पड़ रहा है कि पानी नहीं मिलने के वजह से। कम से कम पर्व और त्योहार के भी ध्यान देते हुए हमने विभाग को भी कहे कि सर, नजदीक में दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, ये सब के देखते हुए भी चलिए ताकि परेशानी हमें झेलना नहीं पड़े। सुनना तो हमको पड़ता है पब्लिक से, लेकिन अभी तक इस विभाग से कोई अथी नहीं मिला है समझौता कि कब सही होगा नहीं होगा, इसके लिए कुछ नहीं विभाग कर रहे हैं। आप भरवली रूप से यानी शिकायत किए हैं कि लिखित भी दिए? नहीं, भरवली भी किए हैं, जेई साहब व्हाट्सएप से भी मांगे हैं, वो भी मेरे पास सबूत है कि आप दिखाइए व्हाट्सएप, देखिए क्या खराबी है, नहीं खराबी है। वो मिस्त्री भी भेजे हैं, देख करके चले गए हैं, उसके बाद कोई अति समझौता नहीं हुआ है और न ठीक करने के लिए आए हैं। वो यही बोलते हैं कि हम दे दिए हैं, शिकायत किए हैं मिस्त्री को, किए हैं, मिस्त्री जाएगा और एक महीना से सही ना पड़ा हुआ है, कोई इस पर विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई मिस्त्री नहीं आया है। और ग्रामीण यही हमको बोलता है, जनता लोग, कि आपका लापरवाही से हो रहा है। ग्रामीण तो ये समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ से खराबी है नहीं है। ये 5 साल का इसका ठेका है, ये 5 साल इन्हीं को ठीक करना है, ठेकेदार का पीएचडी जो कहना है। हमने बार बार शिकायत करते हैं ठेकेदार को, ठेकेदार का भी तो फोन उठेबे नहीं करते हैं, ना इस पंचायत में ना वार्ड में घूमने के लिए आते हैं कि मेरा नल जल चल रहा है। तो संचालक है कि इसका रख रखाव करने का आपका भी कुछ जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी मेरा है, हम इसका जिम्मेदारी जो बखूबी बढ़िया से निभा रहे हैं। जहाँ तक जब न जो बोरिंग खराब हुआ, हमने ठेकेदार को फोन कर दिया, उसको भी बोले, उसका कोई सुनवाई नहीं। 2 से 3 बार हम विभाग गए, डीओ को बोले, जेई को बोले, बोला तुरंत हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके कारण हमको आम जनता पब्लिक से भी बहुत दबाव मिल रहा है, क्योंकि ठेकेदार को दिन में कोई ये नहीं है टेंशन, हम चलाते तो हमको मेरा पर जवाब दे। पब्लिक का टेंशन हम ही पर होता है और पूजा पर्व का दिन है, बहुत मतलब की इतना परेशानी, पानी नहीं चला, इतना परेशानी हो रहा है हमको, और प्लस पूरा जनता भी देख रहे हैं जो इस तरह आक्रोश हो रहा है। पब्लिक का जो जिम्मेदारी होता है उसका कोई जवाब नहीं होता है, सिर्फ पानी चलाने से ही ना, वो भी पब्लिक लिख के देगा, तब ना हम उसको पीएचडी में जमा करेंगे।
पब्लिक लोग यहाँ लिखित आपके पास नहीं, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया, मतलब पब्लिक लोग सोचता है कि हम तो ये हैं, और तो पब्लिक का भी इसमें जवाबदेही होना चाहिए, जरूर जवाबदेही जरूर होना चाहिए। तो खाली पानी से ही ना पानी हो जाएगा सब चीज का। उसके बाद उन 2019 से चाहे उसका भी अभी तक मतलब कि बोला गया था जब से चालू है बंद का मतलब सैलरी दिया जाएगा, सैलरी एक रुपया नहीं चला दिया गया सैलरी, तो फ्री में भी हम लोग भी तो अच्छा क्या, हम लोग का भी तो ये है, आप लोग को सैलरी नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलता 3 साल से, तो फिर आप काम कर कैसे रहे हैं? काम क्या करें, जनता का ही है, जनता के इसी बस उसी में थोड़ा अपना हाथ चला कर हम चला रहे हैं कि चलो जनता को देता हूं। सर बाकी है पानी सप्लाई ही नहीं हो रहा है, यह हस्र है अब्दुल रामपुर के पंचायत वार्ड नंबर 4 में नल जल योजना का, लेकिन जो है सो यहाँ बिजली की समस्या के वजह से नल जल योजना चालू नहीं है, समस्या जनता को झेलना पड़ रहा है, साथ साथ जनता का आक्रोश इनके ऊपर आ रहा है। इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के साथ आपसे फिर मिलेंगे स्वजन समाचार के साथ, तब तक बने रहें स्वजन समाचार के साथ।